أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शमशीर हैदर आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसन इंसुलिन के बारे में बताऊंगा कि ये किन किन मरीजों को दी जाती है, इसकी क्या क्या अलामत होती हैं और इसकी क्या पोटेंसी है। इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इंसुलिन जिस्म में शुगर की मकदार को इतदाल पर रखने वाला कुदरती मादा है जो लबलबे में मौजूद होता है, पंक्रियास में मौजूद होता है। इस मादे से होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की गई है। ये मेडिसिन शुगर के इलाज में बहुत ही इफेक्टिव पाई गई है। अगर जिस्म को इंसुलिन पूरी मिकदार में मिल जाए तो इसको से शुगर का तवाजन बहाल हो जाता है। होम्योपैथिक इंसुलिन भी शुगर की बाज मखसूस सिम्टम्स रखने वाले पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इंसुलिन शुगर के बद असरात को भी मिटा देती है। शुगर की वजह से जिस्म में जख्म बन जाते हैं, बेड सोल वगैरह बन जाते हैं, इसके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है इंसुलिन। अंतड़ियों की क्रोनिक तकलीफें जिनमें नरम अजाबत की तरह रुझान और जिगर का बढ़ा हुआ होना वगैरह, इन सिम्टम्स में भी इंसुलिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसा खारिश वाला एक्जिमा जिसमें जिगर की खराबी की शिकायत मौजूद हों और किसी और मेडिसिन से आराम ना आ रहा हो तो ऐसी सूरत में इंसुलिन देने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसी तरह अगर पेशेंट को बार बार पेशाब आए और जल्दी अमराज फोड़े फिंसियों का भी रुझान हो तो भी इंसुलिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इस सूरत में 30 ताकत में इंसुलिन बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। रिवर्स, अगर खून में शुगर मौजूद हो लेकिन पेशाब में ना भी हो तो भी इंसुलिन एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन जोड़ों की दर्द, गेंठिए की शिकायत में भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। रिवर्स, इसकी जो पोटेंसी है वो हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। 30 पोटेंसी में हम 5 कतरे सुबह देते हैं, 5 कतरे दोपहर को देते हैं, 5 कतरे शाम को देते हैं, 5 कतरे रात को देते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने खाना पहले खा लिया है और बाद में लेंगे तो खाने से 10-15 मिनट पहले ले लें या 10-15 मिनट बाद में ले लें। इसके 5-5 कतरे आपने दिन में 4 टाइम लेने हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।